नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कार्यक्रम कृषि धुरंधर में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड ऐसी कंपनियों के बारे में बताते हैं, साथ ही में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको मिलवाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं नाभा में। नाभा में हम आपको N.S.Agro वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलवाएंगे, जो कि हमारे जरिए आपको अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर परमिंदर सिंह जी का और जानते हैं इनके बारे में और इनकी कंपनी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि N.S.Agro वर्क्स है क्या? अगर NS की बात करें, NS से हमारे फादर साहब का नाम है सदा निरंजन सिंह जी, तो उनके नाम से हमारी कंपनी है N.S.Agro वर्क्स। सर, आपकी कंपनी जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है? जैसे कि एग्रो से पता चल रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। जी। तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है हमारी कंपनी? हमारा स्पेशलिटी तो यही है कंबाइन का। उसके बाद हम कस्टमर की डिमांड पे रोटावेटर और स्टोर रीपर ये आइटम बनाते हैं और पार्ट्स भी तैयार करते हैं साथ में। मेन आपका हार्वेस्टर है? मेन हार्वेस्टर का जी। तो हार्वेस्टर सर, ये आप लोग ऐसे ही बनाते हैं या फिर जो जैसे ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से आप बनाते हैं? हम अपने मतलब रेडी भी करके रखते हैं और उसके चलते चलते बीच में ऑर्डर भी आते रहते हैं तो वो कम्प्लीट हो जाता है जी। जी, और सर इस कंपनी की नींव कब रखी गई थी? ये इस कंपनी की नींव हमारे फादर साहब ने 94 में स्टार्ट किया था हमने बिजनेस, जो ये काम है हमारा। तो पहले हम स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे, खाली पार्ट्स तैयार करते थे हार्वेस्टर का ही। तो फिर धीरे धीरे हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू किया। तो 94 से लेकर के 96 तक हमने पार्ट्स तैयार किए हैं और 96 से ये अभी तक तो हार्वेस्टर ही बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर, पार्ट्स के अलावा मतलब जैसे कि पहले पार्ट्स ही बनाते थे, अब आप पार्ट्स भी खुद ही बनाते हैं और साथ में पूरा जो हार्वेस्टर हो गया वो भी आप खुद ही तैयार करते जी, हैं जी, जी। तो उसमें जितने भी पार्ट्स हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या इंजन भी आप लोग खुद तैयार? नहीं, हम इंजन नहीं तैयार करते, इंजन हम बाहर कंपनी से लेते हैं। जैसे कि इंजन हो गया, कुछ हाइड्रोलिक पार्ट्स हो गए और इलेक्ट्रिक पार्ट हो गए और रबड़ पार्ट हो गए, ये हमारे बाहर से आते हैं। और जो मेटल से बनते हैं, स्टील मेटल वाला मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल लेकर के हम अपनी फैक्ट्री में खुद ही तैयार करते हैं। और सर, अगर हम बात करें किसी भी काम की, अगर शुरुआत करते हैं, कोई भी अगर बिजनेस शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी। तो इस कंपनी की भी अगर नींव रखी गई होगी तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जिसके बारे में आपके पिताजी ने आपको जरूर बताया होगा। जी। तो उसके बारे में बताइए, उस टाइम में 1994 में जबकि किसान खुद ही हार्वेस्टिंग करते थे, उस टाइम में ये मशीन लाना और इसके पार्ट्स बनाना ये कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल दौर रहा वो। इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था और आइडियाज़ भी नहीं थे ज़्यादा नए कि हम कैसे करें। और जब हमने पहली एक हार्वेस्टर बनाई, उसको फिर हमने फील्ड में उतारा, तो उसके बाद जब उसको उसने हार्वेस्टिंग किया तब उस समय हमको कोई जो जो प्रॉब्लम्स आई उस समय, तो हमने देखा कि हमको क्या चीज़ चेंजेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे सर्वाइव करते रहे तो निकलता रहा काम जी। और सर, आप लोगों ने जो है वो किन किन बातों का, मतलब हार्वेस्टर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन N.S.Agro वर्क्स ने किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान में रखा कि किसानों की ज़रूरत है, किसान जिससे सेटिस्फाइड हो जी, ये वो कौन कौन सी बातें हैं उसमें? तो ज़्यादातर तो यही चीज़ आती है कि जो क्रॉप हमारी हार्वेस्टिंग जो कर रहे हैं, हम मशीन से क्रॉप कर रहे हैं, तो वो उसका वेस्ट ना हो, वो ज़मीन पे नीचे ना गिरे, वो फसल ख़राब ना हो, टायर के नीचे आके फसल ना ख़राब हो, या गाड़ी की स्पीड इतनी ना रहे कि वो पौधे को जड़ से उखाड़ दे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है। उसके बाद गाड़ी में क्वालिटी, एज ए क्वालिटी हम क्या डाल दें, तो हमने किस कंपनी का पार्ट डालना है, कौन सा पार्ट डालना है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्विस दे, कस्टमर को बार बार उसकी सर्विस की दिक्कत ना आए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं जी। जी, और सर, फार्मर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये आप लोग कैसे समझते हैं? मतलब क्या एक्सटेंशन में जाके किसानों से बातचीत करके आप लोग समझते हैं या फिर किस जी, तरीके जी, से? जी हाँ, ये तो ऐसा है कि किसान ही बताते हैं, किसान की अगर किसान से बात करें तो वो खुद ही बता देते हैं कि हमें क्या किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। जैसे कि पहले उनको दिक्कत आती थी कि फसल टाइम से नहीं कटती थी, जैसे कि बारिश आ गई फसल ख़राब हो गई, या कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, वो मतलब कि आग लगने का चांस बन गए, ऐसी दिक्कत थी, या उसको काटने के लिए लेबर नहीं मिलती थी, काटने के लिए जो काटते हैं मजदूर वगैरह ये सब नहीं मिलते थे। तो इस चीज़ को देख करके फिर मशीनें आई, मशीनें बन गई, फिर मशीनों से काम इजी हो गया, जल्दी निकलना शुरू हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे किसान ने कहा कि जो वेस्ट मटेरियल है
उसका क्या किया जाए, उसको स्ट्रॉ बना करके ख़त्म किया, तो जैसे जैसे किसान की डिमांड निकलती है वैसे वैसे चलता रहता है काम जी। और सर अगर मशीन्स की बात करें, अगर हार्वेस्टर की बात करें, तो उसको जो है वो कौन कौन से, मतलब उसकी क्या क्या यूजेस हैं और किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? हार्वेस्टर में 8-10 फसलें हैं जो कट जाती हैं, जैसे कि मेन तो ये हो गया अपना गेहूँ हो गया और धान हो गया, सूरजमुखी कटती है और सरसों कट जाती है, दाल मटर चने ये काफ़ी फसलें काटती है मशीन। यानी कि जो मोटे मोटे जो हैं, जिसकी पैदावार मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है जिन जिन फसलों की, वो सबसे ज़्यादा इससे कट जाते हैं, इस हार्वेस्टर से। सर आपसे जानेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो हार्वेस्टर है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है जो और जो हार्वेस्टर है और कंपनी की जो हार्वेस्टर है उससे अलग उसे बनाती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। जो मटेरियल यूज़ होता है जैसे कि स्टील मटेरियल है, ये अदर्स कंपनियों से हम थोड़ा बढ़िया यूज़ करते हैं, क्वालिटी में यूज़ करते हैं, और उसमें हाइड्रोलिक जो है ये भी क्वालिटी मैटर करता है, ये भी अच्छा होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एनएस एग्रो वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है आपके प्रोडक्ट में जो औरों कंपनियों के, जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हार्वेस्टर बनाती हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको उनसे अलग बनाती हैं? उसमें ऐसा है जी, जो मटेरियल यूज़ होता है जैसे कि स्टील मटेरियल है, ये अदर्स कंपनियों से हम थोड़ा बढ़िया यूज़ करते हैं, क्वालिटी में यूज़ करते हैं, और उसमें हाइड्रोलिक जो है ये भी क्वालिटी मैटर करता है, ये भी अच्छा होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं और रबड़ पार्ट होता है, ये अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है। और अदर स्ट्रक्चर की बात करें, अदर्स कंपनियों की वजह से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है गाड़ी का वो काफ़ी मजबूत है, मतलब जिसके ऊपर हमें भरोसा है कि ये काफ़ी लंबा टाइम तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और वेट के हिसाब से भी प्लस में है और गाड़ी के फीचर्स में भी प्लस में है, चल रहे हैं जी। सर अगर भरोसे की बात आपने कही, तो किसानों के ऊपर जो भरोसा करना है वो, मतलब उनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक बार उनको पसंद आएगा तो वो बार बार जो है, चाहे हार्वेस्टर की बात करें चाहे किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, तो वो बार बार आपसे ज़रूर कांटेक्ट करते हैं। तो इस मामले में जो है वो आपकी कंपनी कितना भरोसा जीत चुकी है? काफ़ी भरोसा हमने हासिल किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हम 96 से गाड़ियाँ बना रहे हैं, जो कस्टमर हमसे पहले जुड़े हुए हैं वो खुद ही बता देते हैं कि उनको मेंटेनेशन में उनकी हमारी गाड़ी अदर्स गाड़ियों में से हमारी हार्वेस्टर में मेंटेनेशन उनका कम आ रहा है, और फील्ड में जब गाड़ी चल रही है तो ब्रेक डाउन उनको बहुत कम आ रहा है, और जो गाड़ी ऑपरेट करने वाली टीम है वो गाड़ी चला करके खुश हैं, क्योंकि जब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती तो ऑब्वियसली काम उनको करना पड़ता है, तो वो उनको नहीं करना पड़ रहा, तो वहाँ से खुश हैं। और हमारी गाड़ी में मतलब जैसे कि मटेरियल वेस्ट नहीं जाता, जैसे क्रॉप ख़राब नहीं होती है, फसल ख़राब नहीं होती है, और गेहूं बिल्कुल साफ़ सुथरा और पूरा निकलता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल उसका टुकड़ा हो जाए, ये चीज़ नहीं होती है। इसलिए जुड़े हुए हैं किसान हमसे कि उनको लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया है सही लिया है जी, यानी कि भरोसा जो है वो किसानों को है आप पे। जी जी जी। सर अगर हम हार्वेस्टर बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में जाने, तो आपकी जैसे फैक्ट्री है, हर पार्ट भी बनता है, पूरी मशीन भी बनती है, तो पूरा प्रोसेस शॉर्ट में ज़रा बता दीजिए। हार्वेस्टर बनाने की विधि, पहले तो जैसे कि हमारे पास जो हमको चीज़ों की ज़रूरत है, जिस पार्ट की हमको ज़रूरत है, हम वो पार्ट मार्केट से या परचेज़ करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उसको लेथ मशीनों के ऊपर टर्न किया जाता है, कुछ मशीन की प्लाज्मा वगैरह मशीनों के ऊपर उसकी कटाई होती है, उससे वो पूरा माल इकट्ठा करने के बाद पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। बॉडी स्ट्रक्चर के बाद जैसे जैसे अदर्स पार्ट होते हैं, जैसे उसके अंदर इंटरनल पार्ट हैं वो उसके लग जाते हैं, फिर बाहर वाले पार्ट लगते हैं, उसके बाद उसको रफ पेंट किया जाता है गाड़ी को, फिर उसके ऊपर इंजन अटैचमेंट बिठाई जाती है, गियर वगैरह अटैचमेंट बिठाई जाती है, डीजल टैंक हाइड्रोलिक, ये मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद में जब गाड़ी फाइनल हो जाती है तब उसको पेंट पे भेजा जाता है। पेंट होने के बाद में उसके बाद में एक्सेसरी वगैरह जैसी लाइटिंग वगैरह है,
या बैटरी सिस्टम है, वायरिंग है, ये सब उसके बाद फाइनल टच किया जाता है जी। और सर कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रोसेस में? इस प्रोसेस में लग जाते हैं, अगर रूटीन में अगर जैसे हम चलते हैं रूटीन में अगर चलेंगे तो 2 से लेकर के ये मान लीजिए कि 8 दिन के अंदर ये पूरा तैयार हो जाता है। उसमें टीम होते हैं तकरीबन 8 से लेकर के 10 लोगों की टीम होती है, जिनको वो अपने अपने टाइम के हिसाब से अपना पार्ट तैयार करते रहते हैं। तो जैसे जैसे पार्ट तैयार होता है वो एक टीम पार्ट तैयार कर रही है, दूसरा उसको फिटिंग कर रही है, तो ऐसे करके लगता है टाइम इसके ऊपर जी। और सर प्लाज्मा कटर के बारे में हमने अंदर फैक्ट्री में देखा, प्लाज्मा कटर वो किस तरीके से काम करती है? वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिक प्लाज्मा कटर होता है, जिससे हम जैसे कि शीट के अंदर होल करना है, बोर करना है, तो उसके लिए वो काम आती है। जहाँ जहाँ से जैसे कि पहले आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएँ हम, तो क्या होता था कि हमको वो हथौड़ी छैनी ये चीज़ हम उसके ऊपर करते हैं यूज़, या उसको कटर से यूज़ करते थे, पार्ट को भी नुकसान होता था। हाँ, तो उसके लिए उसका बेस ख़राब हो जाता था, तो या उसका मटेरियल का साइज़ ख़राब हो जाता था। और जब से ये हमने मशीनें लगवाई हैं तब से अच्छा हो गया, हमारा टाइम भी कम लगता है इसके अंदर इसको बनाने में, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और कंप्यूटराइज होने की वजह से हमारे उस साइज में कोई अल्ट्रा साइज नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट साइज निकलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारा वेस्ट मटेरियल जो पहले ज़्यादा जाता था वो कम हो गया है, उससे हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। सर आजकल जो है वो किसान खेती करने से बच रहे हैं जी। अगर हम मजदूर की बात करें जो पहले कटाई करते थे, आजकल वो मिलने मुश्किल हो गए हैं जी। तो ये हार्वेस्टर लेके कितने मजदूर का काम ये अकेला हार्वेस्टर कर लेता है? ये जान लीजिए कि जैसे कि जो काम अगर गेहूं की कटाई की बात करें, पहले गेहूं की कटाई होती थी, फिर उसको बंडल बनाया जाता था, फिर उसको एक हड़म्बा टाइप की मशीन के अंदर निकाला जाता था, तो ये उसकी कटाई से बंडल बनाने के टाइम तक कम से कम 10 दिन का प्रोसेस था, 10 से लेकर के 12 दिन तक का। एक अगर 2-3 एकड़ 4 एकड़ की भी बात करें, 4 एकड़ को अगर हमको काटना है तो हमको 5 से लेकर के 8 दिन लगते थे उसकी कटाई और बंडल बनाना और गेहूँ निकालने तक के लिए। अब वो जो काम है वो हार्वेस्टर की वजह से सिर्फ 2-3 घंटे में ही हो जाता है, तो कम से कम 5 दिन में 10 आदमी काम करते थे, वो आधे 1 घंटे के अंदर एक मशीन कर देती है। सर आपसे जानेंगे आपके बारे में कि आप कैसे इस फील्ड से जुड़े, इस कंपनी से कैसे जुड़े, लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। जैसे कि हम ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, तो आगे चल के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट निकलती है, किसान को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो चीज़ कृषि यंत्र में आएगी हम उसको बनाएंगे, जो भी तकनीक आएगी जी आप अपना लेंगे। जी 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 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के कार्यक्रम कृषि धुरंधर में। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे कंप्लीट किया आपने, और क्या आपका इंटरेस्ट पहले से ही एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में था या फिर बाद में जाके आपका इंटरेस्ट बना? नहीं, पहले से ही था कुछ, तो असल में हमारे फादर साहब पहले इसी लाइन में काम करते थे, तो उन्होंने एक अदर्स कंपनी, एक हमारी मतलब पुश्तैनी फैक्ट्री है पुरानी, उसमें काम करते थे एज ए इंजीनियर, तो वहाँ से जब उन्होंने छोड़ा तो फिर हमने अपना फैक्ट्री शुरू किया, और उनके साथ साथ स्कूल टाइम से टाइम बचा करके हम भी लगे रहते साथ साथ में, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट हो गया था कि यार ये हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद तक फिर मैंने ज़्यादा नहीं, मैट्रिक तक मैंने किया है, मैट्रिक तक छोड़ने के बाद फिर इस लाइन में घुस गए, तब फिर पढ़ाई छूट गई तो इसी लाइन में आ गए फिर। तो जैसे कि आपके पिताजी ने इस कंपनी की शुरुआत की, आप कब जुड़े इससे, 1994 में इसकी शुरुआत हुई, आप कब जुड़े? मैं 94 में जैसे इसकी शुरुआत हुई तो मैं 97 या 8 में मैं इस जुड़ा हूँ अपने फादर साहब के साथ। 98 से आप लगातार इस जी काम लगातार में जी जी जी, उसके बाद में फिर तकरीबन ये सन 2000 या 2001 से तो प्रॉपर काम कर ही रहे हैं। सर जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करें, हार्वेस्टर जो है मतलब कोई भी मशीन होती है तो उसकी जो कीमत होती है रेट्स वो फार्मर की पहुँच से दूर रहती है जी, तो इसमें क्या गवर्नमेंट की भी सब्सिडी होती है या मतलब कुछ EMI आजकल बहुत आ गया है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे के ले सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है? जी हाँ, सब्सिडी है, जैसे कि कई स्टेट के, पूरे सेंटर में तो नहीं है लेकिन अदर्स कई स्टेट के अंदर इसका सब्सिडी है, जैसे कि बिहार में है और MP में है
और अभी गुजरात में है, ये कई स्टेट में बदलता रहता है, कभी राजस्थान में आ गया, पंजाब में आ गया, कभी बिहार में चला गया, जैसे कि अभी बिहार, एमपी और गुजरात में, गुजरात में अभी तीन स्टेट में के अंदर सब्सिडी चल रहा है तकरीबन 20% के आसपास की सब्सिडी चल रही है, मतलब कि 20% जो है वो सब्सिडी लेके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, जी 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 जी, जी ये लेके जो है वो किसान खरीद सकते हैं। जी 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 सर, फिलहाल तो आप लोग सिर्फ मतलब ज्यादा फोकस हार्वेस्टर पर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर चांस मिला तो आप लोग और किन किन दिशाओं पे और किन किन मशीन्स पे काम करना चाहेंगे? जैसे कि हम ज्यादातर तो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, तो आगे चल के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट निकलती है, किसान को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो चीज़ कृषि यंत्र में आएगी हम उसको बनाएंगे, मतलब जो भी नई तकनीक, जो भी तकनीक आएगी जी उसे आप अपना लेंगे। जी 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 सर, अगर मार्केटिंग की बात करें तो किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में जो है वो मार्केटिंग बहुत एक अहम मतलब ये रोल निभाता है, तो आप लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं? मार्केटिंग जैसे कि हो गया न्यूज़पेपर हो गया और मैगजीन वगैरह हो गया, और ये तो कारण मुख्य है ही है, उसके बाद में सबसे बड़ी तो मार्केटिंग हमारी हर किसान से ही हो जाती है, जो किसान हमसे जुड़ गया, जब गाड़ी फील्ड में, देखिए ये हार्वेस्टर जो है ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इसको परचे मतलब लिया, किसान जिसने इसको ख़रीदा है तो वो अपने एरिया में रहेगा, मतलब अपने घर पे रखने वाली आइटम नहीं है, तो उसको वो फील्ड में ही चलाएगा, फील्ड में जहाँ वो जाता है तो उसको देखने के बाद, उसके काम को देखने के बाद चार कस्टमर हमारे साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, ये हमारा जो हमारा कस्टमर है वही कर देता है, क्योंकि उसको जब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो चार लोगों को और बताता है कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, हमने इसको लिया, हमको बेनिफिट मिला, ये चीज़ से हमारी मार्केटिंग ज़्यादा फैलती है। और सर आजकल जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है, तो आप लोग क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं? जी, उसके थ्रू भी हम मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद हमारी टीम भी है, जैसे कि हमारी कई स्टेट के अंदर हमारी ब्रांचेस हैं, वहाँ से भी मार्केटिंग होती है, वहाँ पर भी करते हैं काम। सर आप लोग क्या देश के दूसरे मतलब दूसरे देशों में भी क्या एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कौन कौन से राज्य में आपके प्रोडक्ट ज्यादा? इंडिया में तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में ही है, जैसे कि हमारे पास टाइम टू टाइम होता है, जैसे कि अभी ज़्यादातर तो चल रहा है एमपी, हर जगह चल रही है वैसे तो, क्योंकि हमारे पास तमिलनाडु एरिया में भी हमने बहुत सारी गाड़ियां सेल की हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सभी स्टेट में चलता है। देश के बाहर? देश के बाहर में तो अभी ज़्यादातर तो नेपाल में एक्सपोर्ट हो रही है हार्वेस्टर, अदर्स किसी कंट्री में नहीं हुई, लेकिन नेपाल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। जी, और सर आपका जो है वो बिजनेस मंत्रा क्या है? बिजनेस मंत्रा तो यही है कि जो किसान ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ जुड़ा है, हम उसका भरोसा ना कभी तोड़ें, उसके भरोसे को कायम रखें, उसको सर्विस दें, और हमारी गाड़ी में कोई अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम उसकी सुने, ये सबसे बड़ा मंत्र है। सर आपने अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज आप मिले एनएस एग्रो वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से, जिन्होंने हमारे ज़रिए आपको अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो आइए मिलते हैं इसी कंपनी के डायरेक्टर से और लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी। मार्केटिंग के लिए हमने अपने कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, जैसे वो बाहर की मार्केटिंग देखते हैं, और मैगजीन वगैरह और न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया से भी हम जुड़े हुए हैं मार्केटिंग के लिए। जैसे हम कस्टमर को जब टच करते हैं तो उनको समझाते हैं कि जो आप 10 दिन का काम है वो आपका एक दिन में हो जाएगा, जिस काम के लिए आपको 20 बंदे चाहिए उसमें दो बंदे ही आपका काम कर देंगे, और जैसे कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है तो उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद वो कम से कम 10 साल तो उसको नया प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ साथ वो एक फसल के साथ कई फसलें वो इससे हार्वेस्ट कर सकता है। जैसे ऑन फ्यूचर में हमको अपना मार्केटिंग करने के लिए हम पूरे जैसे मीडिया का ज़माना है, मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं, और आगे ऑन फ्यूचर के लिए हम अपनी जगह जगह ब्रांचेस भी खोल रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको पटियाला के नाभा में स्थित एनएस एग्रो वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर से मिलवाया, जिन्होंने हमारे ज़रिए आपको अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कोई नए कृषि धुरंधर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।